तो आज एक नया जगह एक्सप्लोर करने आया हूँ कोलकाता। पीछे शायद देख कर आप समझ ही होंगे, ये है विक्टोरिया। तो हाँ जी, आज हम विक्टोरिया घूमने आए हैं। इससे पहले एक दिन और आए थे तो हम थोड़े लेट कर दिए थे आने में, तो गेट उस टाइम बंद हो चुका था। तो आज हम फिर से घूमने आए, शायद आज टिकट मिल जाए अंदर जाने का। ये है टिकट का काउंटर, यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा, देन यहाँ पे एंट्री होगी। सबसे एक इंटरेस्टिंग बात, पीछे देखिए अभी अभी रेनबो निकला है, पीछे से व्यू कुछ इस तरह से आएगा। ये जो टाइमिंग है घूमने का ना, बहुत बढ़िया टाइमिंग है। अभी बज रहा है 4:30, और ये जो सामने का बोर्ड लगा है, इस तरफ कैंटीन भी है। अब जा रहे हैं हम म्यूज़ियम की ओर, और इसमें जो एक आगे वाला उस तरफ एक झील है, वो मैं कल सुबह आया था घूमने, उसमें मैंने लिया था गार्डन टिकट लिया था। तो वो जो उसमें जो झील है, तो उसमें पानी कितना गहरा है वो तो पता नहीं है, पर मछली बहुत, रंग बिरंगी मछली बहुत है। तो इसमें अगर किसी को आने के बाद भूख भी लग जाए, तो उसको भी खाने का बंदोबस्त है, कैंटीन है। अगर पानी पीना है उसका भी जगह है। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो उसका भी व्यवस्था है। तो सारे कुछ चीज़ों के यहाँ ध्यान रखा गया है। तेरा पीछे का कुछ इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड जो बहुत ही बढ़िया रहा है, मैंने जो टाइमिंग पकड़ा है, मैं तो सो रहा था तो पता चला कि आज संडे है। तो मैंने सुना था संडे बहुत जल्दी म्यूज़ियम बंद भी हो जाते हैं, तो हमने चलो कि यार कुछ ज़्यादा ही जल्दी निकल जाए। निकल जाने के बाद टाइमिंग तो बहुत बढ़िया है। तो फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं म्यूज़ियम की ओर। तो अभी तो 5 बज गए, म्यूज़ियम 6 बजे तक, शाम की 6 बजे तक खुला है, और इसका टाइमिंग होता है, म्यूज़ियम का टाइमिंग होता है 11 से 6 बजे तक। और कुछ सीज़न के वाइज भी थोड़ा चेंज होता रहता है, तो इसमें कुछ कंफर्म होकर हम नहीं कह सकते कि यही टाइम ऑल टाइम ही रहेगा। गेट में 2 तोपें रखी हुई हैं। तो हम अभी है विक्टोरिया के अंदर। ये है कुछ उसका सीलिंग, और ये है कुछ का साइड व्यू। बहुत ही बढ़िया जगह है। अगर आप कोलकाता आए और विक्टोरिया नहीं आए, तो आपको बहुत मिस करोगे यार जगह, बहुत ही मस्त जगह है। ये जो आप टोपी देख रहे हैं, ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का टोपी। तो इससे पहले मैं जब आया था, तो यहाँ पे ए वाला, वो वाला जो बड़ा हुआ शीशा लिखा है, उसमें बंगाली भी लिखा है जय हिंद। तो इसमें पहले ये चीज़ बाद में ऐड किया गया है, इससे पहले ये चीज़ नहीं था। इसमें जो फोटो बड़ी बड़ी से लगा है, शायद ये नहीं था। डिस्प्ले आ गया है, तो इसमें अगर आपको हिंदी बहुत बढ़िया आता है, अगर आप बंगाली में पढ़ना चाहते हो तो सारे बंगाली में।
करते हो तो बस एक बार टेप करना होगा, और इसमें हिंदी आ गया, वही टेप करोगे इसमें इंग्लिश भी आ गया। एक राइट के लिए एक शायद बैटरी से चलने वाली एक कार भी है शायद, मैंने इससे पहले एक बार आया था एक दफ़ा, तो उस टाइम ने देखा था। तो हमने तो फिलहाल ऐसे कुछ अभी देखा नहीं है, तो एक है जो दिख रहा है, शायद उसमें चार्ज भी करते होंगे कुछ ज़्यादा ही, शायद घंटे के हिसाब से या पूरी सैर कराएंगे उसकी हिसाब से कुछ भी चार्ज कर सकता है, वो तो हमें पता नहीं है। जो पीछे का सीन है वो पार्क का सीन है, जो हमेशा की रूटीन है यहाँ का। तो चलो यार कुछ और दिखा दे, शायद आपको इस साइड से विक्टोरिया हमने एक बार भी नहीं दिखाया है, इस साइड से विक्टोरिया आपको मैंने एक बार भी नहीं दिखाया। चलो ये वाला शॉट मजा लो। यही है आज का विक्टोरिया का छोटा सा एक टूर का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट तो करिए, शेयर भी करिए कैसे लगा दोस्तों के साथ, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना। इंस्टाग्राम का लाइव जो आईडी है, इंस्टाग्राम की आईडी वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और फेसबुक का जो पेज का आईडी है उसमें भी सपोर्ट करना, वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हम वेट करना है कि शाम का जो एक थोड़ा सा इसका जो माहौल बनता है, हम उसी का वेट कर रहे हैं। शायद अभी तो 6:45 शायद बज चुके हैं, तो और कुछ टाइम की बात है। तो इसका जो प्लेस है ना, बहुत बढ़िया प्लेस है, अगर आप कपल हो तो बहुत ही बढ़िया आपको लगेगा यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हुए। तो इसमें अभी थोड़ी देर है, इसमें जब स्पॉट लाइट गिरेगा तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। आप भीड़ देख सकते हो, ये विक्टोरिया का बाहर का कुछ नज़ारा, और
हम एक चीज़ और दिखा देते हैं, विक्टोरिया का सबसे फेमस सीन। विक्टोरिया का सबसे फेमस सीन है ये। विक्टोरिया का जो मेन गेट है उसके ऑपोजिट साइड पे देखिए, पूरा बहुत दूर तक सारे के सारे घोड़े गाड़ी लगा हुआ है। तो इसका जो किराया होता है वो तो हमें पता नहीं, अगर आप कोई चरण में इंटरेस्टेड हो तो आप पहले बार्गेनिंग करें। बहुत सारे लगा हुआ है, वो जो दूर है ना वो वाला, तो बहुत दूर तक लगा हुआ है, लगभग बहुत गाड़ी है। तो अगर किसी को चढ़ना है तो पहले बार्गेनिंग करना कर, क्योंकि यहाँ बहुत टूरिस्ट आते तो सब टारगेट करते हैं टूरिस्ट को, तो अब बार्गेनिंग करना है। ये वाला देखिए, हम तो शाम टाइम में इससे पहली बार आए हैं, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर बहुत सारे लोगों के शौक़ होते हैं जैसे टमटम में उठने का, तो आप चढ़ के उसका सैर का मज़ा ले सकते हैं। और ये कुछ विक्टोरिया के बाहर का नज़ारा है,